सदा गोस्तम स्थावक। बुद्ध कहते धम्मपद में सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका, अर्थात गौतम के सावक शिष्य अर्थात बुद्ध के शिष्य सदा क्या रहते हैं, सावधान रहते हैं, जागृत रहते हैं। यस्य दिवाचरतोच निच्चं बुद्ध गता सति, बुद्धानुसति जिसको हम कहते हैं, तो बुद्ध के संबंध में वो जागृत रहते हैं। कौन जागृत रहते हैं? बुद्ध के शिष्य सदा। यस्य दिवाचरतोच, दिवा अर्थात दिन और रत्तो अर्थात रत्ति अर्थात रात्र और दिन रात और नित्य अर्थात नित्य सदा हमेशा। तो हमेशा बुद्ध के शिष्य सावधान जागृत रहते हैं, बुद्ध का आकलन करते हैं, बुद्धानुस्सति में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जागृत रहते हैं। तो जागृति इतनी महत्वपूर्ण है और वो बुद्धानुस्सति बुद्ध के बारे में। धम्मानुसति भी कहते हो, फिर आगे और कहते संगानुसति भी कहते, फिर आगे कायानुसति भी कहते, फिर कहते ये जो जागृत रहते गौतम बुद्ध के जो शिष्य है क्या पबुद्धं अर्थात पबुद्धं बुद्ध के संबंध में पबुज्जंती विज्जंती, विज्जंती अर्थात बुझना अर्थात समझना आकलन करना, पबुज्जंती अर्थात आकलन करना किसके बारे में, बुद्ध के बारे में, बुद्ध के संबंध में आकलन करना और बुद्ध के स्मरण में रहना सदा, क्योंकि बुद्ध के शिष्य सदा स्मरण में रहते रात दिन सदा हमेशा वो स्मरण में रहते, अर्थात बुद्ध का स्मरण करना कितनी बड़ी बात है ना। तो जागृति, जागृति कहाँ से आएगी, तो हमें जागृति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जागृति के लिए हमें कम से कम ऐसा कहते हैं कि ध्यान आवश्यक, तो ध्यान करना जरूरी, और हम जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़े। ऐसा कहते हैं कि कुछ बच्चे खेलते रहते, उसमें से दो बच्चे हमेशा मित्रता थी उनमें दोनों की, लेकिन एक मित्र बुद्ध का स्मरण करता था, रोज बुद्ध का स्मरण करता था, और एक मित्र बुद्ध का स्मरण नहीं करता था। बुद्ध का स्मरण में एक छोटे छोटे बच्चे समझ लीजिए, ज्यादा उम्र के नहीं, 7, 8, 9, 10 साल के, दो अच्छी दोस्ती थी दोनों में, लेकिन उनमें से एक लड़का स्मरण करता रहता, हमेशा बुद्ध को स्मरण में रखता, और एक लड़का बिल्कुल बुद्ध का स्मरण करता नहीं। लेकिन ये जब दोनों खेलते थे तो खेलने में गेम में वो हमेशा जो बुद्ध का स्मरण करता था हमेशा जीत जाता था, और दूसरा जो लड़का था वो नहीं जीतता था, हार जाता था, क्योंकि हमेशा शांत रहता था, आराम से खेलता था और उसके अंदर कोई टेंशन नहीं रहता था, और हारो या जीतो ऐसा कुछ भाव ही नहीं रहता था, लेकिन ये जीत जाता था, और ये दूसरा लड़का जीते ही नहीं जाता, चाहे कितना कोशिश करे, कितना ही वो छल कपट से खेले, लेकिन वो जीते ही नहीं पाता था। तो उसको समझ में नहीं, मैं इतना अच्छा कोशिश करता हूँ, चालाकी से खेलता हूँ, तो भी मैं हार क्यों जाता। तो उसने एक दिन, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि पूछ ही लूँ, और उसने पूछना उसको लो लड़के से पूछ लिया, भाई आप ऐसा कौन सा काम करते कि जिसके कारण आप जीतते रहते हमेशा, मैं देखता हूँ कि हमेशा जीत आपकी होती रही, हमेशा आप जीत में रहते, ऐसा कौन सा कारण। तो उसने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं ऐसा कुछ तो करता नहीं, बस ध्यान में नहीं रखता, हाँ लेकिन मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ बुद्ध के संबंध में, मैं हमेशा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध कहते रहता हूँ, स्मरण करते रहता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध और उन्हीं का स्मरण करते रहता हूँ। तो ऐसा नमो तस्स भगवतो अरहतो इसमें क्या है, तो पता नहीं, लेकिन मुझे घर से शिक्षा मिली है
मेरे घर के पिताजी माताजी कहते हैं कि बुद्ध का स्मरण करना चाहिए, तो मैं हमेशा नमो तस्य भगवतो कहते रहता हूँ। तो उसको लगा ये इतना पावर है इसमें, नमो तस्य भगवतो अर तुम इतना पावर है। तो उसको लगा ठीक है मैं भी करता हूँ। तो उसने भी कोशिश करना शुरू कर दी, और उसने तो इतनी कोशिश की कि उसको लगा कि नहीं मुझे करना जितना है, इस भाव से उसने शुरू कि मुझे अब जीतना है। तो उसके मन में क्या टारगेट था जीतने का, लेकिन नमो तस्य भगवतो अर्हतो करते करते वो भी ध्यान मग्न होने लगा, बुद्ध का स्मरण करने लगा। फिर बुद्ध के बारे में उनको पता नहीं, फिर धीरे धीरे इसका गेम उसका खेल धीरे धीरे खेल से इंटरेस्ट समाप्त होते गया, और उसको भी लगन लग गई बुद्धं बुद्ध माने क्या, बुद्ध को समझना। तो फिर बुद्ध को समझने के लिए कोशिश करने लगा छोटा से लड़के, लेकिन देखिए उनके मन में इतना उसके बारे में जानना शुरू हो गया कि मैं क्यों नहीं जानूं, और फिर वो बुद्ध को समझने लगा। फिर उनको किसी को पूछा उसने कि ये क्या होता है नमो तस्य, फिर उन्होंने कहा है नमो तस्य, नमो माने नमस्कार करना। फिर वो जानकारी लेने लगा, उनको लगा बहुत अच्छा है, लेकिन खाली बोलने से क्या होता है। तो फिर वो जानकारी लेने लगा, और जानकारी लेने के लिए फिर क्या कहने लगा वो कि मैं जानकारी कहाँ लूँ। तो वो अपने घर वालों के साथ में पूछने लगा, लेकिन घर वालों का इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर इन्हीं के साथ में कहीं उनके साथ में बैठकर या उनके माता पिता से बात करके कहीं बुद्ध जहाँ प्रयोजन होता है वहाँ उनकी इंटरेस्ट बढ़ने लगा और पूछने लगा। तो उनको उसके बारे में कहा कि नमो तस्य माने क्या, तो नमो तस्य का अर्थ होता है नमो माने नमस्कार करना, नमन करना। नमन करता था एकदम झुक जाना, नम का अर्थ ये होता है नमो, नम का अर्थ झुक जाना। ये शब्द वृक्ष के ये नम धातु से निकला है, विनम्र जिसको हम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष होता है और लदे हुए फल होते हैं, तो जिस प्रकार लदे हुए फल होने के बावजूद भी वो वृक्ष नीचे झुक जाता है, वो ऊपर ऐसा नहीं ऊपर अपना गर्दन नहीं करता, ताठ नहीं करता, या उसको कोई ऐसा घमंड नहीं रहता। तो इसी प्रकार आदमी ने झुकना चाहिए, नमकार होता है झुकना। तो नमो अर्थात वृक्ष की तरह जिस प्रकार कितना भी लदे हुए फलों से अगर है कोई तो भी वो जिस प्रकार नम रहता है, नमित होता है, विनम्र होता है, उसी प्रकार मनुष्य ने नम्र होना, और इसको कहा है नमन करना अर्थात नमस्कार करना, विनम्र होकर। ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक हमेशा कोई भी उनके सामने अगर आता है तो वह नमस्कार करता। सम्राट अशोक बदल गया था, बदलने के बाद में इतना घमंडी था वो, इतना उसको चांडाल भी कहते थे, लेकिन जब बदल होता है तो कितना झुक जाता आदमी। तो झुक जाना, तो किसी के भी सामने झुक जाता था, नमस्कार करता था वो जो भी। अगर फिर उसके सामने उस राजा सम्राट के सामने अगर कोई आ जाता है, मंत्री आता है उसको भी नमस्कार करता है, या गांव का कोई किसान आता है उसको नमस्कार करता है, या सेना का कोई सिपाही है उसको नमस्कार करता है, या झाड़ू लगाने वाला जिसको उस समय जमादार कहते थे या भंगी कहते थे तो उसको भी नमस्कार करता था, तो किसी के भी सामने झुकता था, इसमें कोई ऐसा भेद ही नहीं करता था, झुकता था और झुककर और गर्दन अपना हाथ दोनों जोड़कर कमर तक झुक जाता था उनके सामने नमस्कार करता था। तो एक दिन जो सम्राट अशोक का सेनापति है वो कहता है कि ये कैसा राजा, ये तो ठीक है मंत्री वगैरह को नमस्कार करता है, कोई अपने बराबरी को नमस्कार करता है, लेकिन ये एक जमादार एक झाड़ू लगाने के सामने भी झुक जाता है, तो ये सम्राट अशोक एकदम इतना कैसा, ये तो अच्छी बात नहीं भाई, भाई राजा है और राजा को इतना झुकना नहीं चाहिए। तो सेनापति को नहीं रहा गया, जो अंदर बात रहती चलती चलती तो वो एकदम सामने आ गई, बोलते महाराज आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे,
फिर झुक गया, अरे कैसा बताओ, एकदम निकल गया उससे मुंह से, लेकिन क्या करेगा अब, नहीं, गलत कोई नहीं, नहीं 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 कुछ तो बात है गलत, आप कुछ तो भी कह रहे, कह दीजिए। फिर उनको सच्चा बताना पड़ा, सच्चाई बताना पड़ा। कहते कि महाराज आप किसी के भी सामने झुकते ये मुझे अच्छा नहीं लगता, आप गलत कर रहे हैं, आपको झुकना है तो कोई बात नहीं, बड़े अगर आपके कुछ बराबरी के है आपसे थोड़ा, अगर सेना सेना अपना अपने मंत्री है कोई तो उसके सामने अगर आप नमस्कार करते तो ठीक है, लेकिन आप एक छोटे आदमी को भी नमस्कार करते तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा है तो बोले ठीक है, आपको ये अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको आदेश देता हूँ, आप जंगल में जाकर किसी से कहो कि 3-4 जानवरों के सिर काट के लेके आओ, शेर का हो, भालू का हो, या बकरी का हो, अपना भेड़ का हो, या किसी का भी जानवर का, जंगली जानवरों के 4-5 सिर काट कर ले आओ, और फिर एक सिर आदमी का भी काट के ला, लेकिन वो आदमी का सिर वो हो, कोई मरा हो, कहीं इस नगर में मरा हो, और मरे हुए आदमी का सिर काट कर लिया, जिंदे आदमी का नहीं, और 4-5 सिर लेकर मेरे पास आ जाए। बोले ठीक है महाराज। तो उसने अपने सिपाही को भेजा जंगल में और 4-5 जानवरों के सिर काट के ला दिया, गर्दन काट के लाई, और एक आदमी भी कहीं मरा हुआ था उसका सिर काट कर लाया, ले आया, और महाराज को ले आया महाराज मैंने सिर, बोले लाए, बोले ठीक है, उसको अभी जाकर किसी को बोलो कि ये बाजार में जाकर बेच के आ जाए। बोले ठीक है। तो बाजार में लेकर गया सिर को, 5-6 जंगली जानवर के भी और अपना आदमी का भी सिर, मनुष्य का सिर, और जब ये पांचों की गर्दन कट कट कर ले गए वो मुंडी बाजार में, तो जानवरों के जो सिर थे वो सारे खप गए, बेचा गए, लेकिन आदमी का सिर कोई लेने को तैयार नहीं था, जिसको भी देखता था उसको तो दूर हो जाता था, और वो सिपाही आखिर बैठे बैठे सारा बाजार उठ गया, सब लोग उठ गए, तो सिपाही कहते महाराज इसको कोई नहीं, सेनापति कहते, सेनापति महाराज को कहते महाराज इस सिर को कोई नहीं ले रहा, तो उसको लेकर आ, लेकर आया। तो महाराज सारे लोगों ने जानवरों के सिर तो फटाफट फटाफट चले गए, 1-2 घंटे के अंदर लोगों ने लेकर गए, लेकिन ये आदमी का सिर कोई नहीं ले रहा, और इससे बदबू भी आ रही है, सड़ान भी आ रही है इसमें। तो सम्राट अशोक कहता है सेनापति को, तो देखो सेनापति, ये मनुष्य का सिर है, और ये मनुष्य का सिर होकर भी इसको कोई लेने को तैयार नहीं, नाक पकड़कर दूर भागते है, हाँ कोई भी, आपको भी अगर मैं कहूंगा तो इसको रखो तो आप भी नहीं रखोगे अभी, तो ये सिर की वैल्यू है, आदमी की क्या वैल्यू है, इस सिर की क्या वैल्यू है, जब कोई मर जाता आदमी तो ये सिर की वैल्यू खत्म हो जाती है, आदमी के सिर की, और इसीलिए मुझे ये सत्य समझ में आ गया, ये सिर की क्या कीमत है, कुछ भी कीमत नहीं, और इसीलिए मैं जब तक जिंदा हूं तो लोग मुझे पूछते हैं, हाँ मेरे को नमस्कार करेंगे, कुछ मतलब जब भी मेरी बात मानेंगे, जब भी मैं आदेश दूंगा तो मेरी बात मानेंगे, लेकिन अब ये सिर की कीमत क्या है, यह हाल मेरा भी होगा, तुम्हारा भी होगा, सबका होगा, क्यों कि ये सिर की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैं जब तक जिंदा हूँ तो इस सिर का उपयोग करना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना मैं इस सिर का उपयोग करना चाहता हूँ, फिर वो किसी के सामने मैं झुक सकता हूँ, और इसीलिए सम्राट अशोक की बात समझकर सेनापति की भी आंखें खुल गई, उनको भी लगा धन्य है महाराज हमारे, तो ये परिवर्तन होता है। तो नम अर्थात ये सिर जो है हमारा, 3 बार हम वंदन करते हैं बुद्ध को, कितना कई बार भी हम वंदन करते, 3 बार पंचांग प्रणाम करते कहते हम, सर झुकाते, तो सर झुकाना अर्थात नमो, नमो मतलब नमन करना, सिर झुकाना, इस प्रकार एक पेड़ लदे हुए फल का होने के बावजूद भी झुक जाता है, इसी प्रकार इंसान ने एक दूसरे के सामने झुकना चाहिए, ये इस अर्थ का वो नम का अर्थ होता है, नमन नमस्कार। फिर तस्स, तस्स माने उसको, तस्स माने उसको, किसको,
नमो तस्य, उसको नमस्कार करता हूं। तो किसको? भगवतो, जो भगवतो। अब भगवतो, भगवतो का अर्थ होता है भगवान, भगवान का अर्थ होता है। आजकल हम भगवान शब्द अगर देखा जाए तो उस समय बुद्ध और महावीर इनके डिक्शनरी में ये भगवान शब्द था। इसके पहले किसी ने भगवान शब्द उच्चारण नहीं किया था। ये महावीर और बुद्ध की डिक्शनरी में आपको भगवान शब्द मिलेगा, क्योंकि इन लोग का जो उस समय का या बुद्ध के धम्म में भगवान का अर्थ अलग, और वो कालांतर में बुद्ध का धम्म यहाँ से थोड़ा क्या कर देता है, दब गया था, उसके ऊपर दर्पण पड़ गया था। तो ये शब्दों पर भी बहुत सारे शब्दों में ऐसा ही अपभ्रंश करके रखा गया, कितने सारे शब्द ऐसे कर दिए हैं हमारे यहाँ, जितने कितने सारे शब्द ऐसे कर दिए कि जिसका अर्थ ही हम भूल गए हैं, जो अर्थ था और उसका अर्थ का अनर्थ करके रख दिया। बहुत से ऐसे शब्द है, जैसा आपने मुंडन, मुंडन किसको कहते हैं? तो अब मुंडन का अर्थ क्या कर दिया इन लोगों ने कि जब कोई किसी घर में मरता है तो उसके घर में मुंडन करना चाहिए, है ना? अपभ्रंश किया। उस समय बुद्ध के समय में कहा था कि अपने इसमें जितने भी विकार है, मन के विकार है, कुछ भी है, उसको खत्म करना है तो धीरे से अपने बाल है, उसको बाल में भी जीव जंतु रहते हैं, है ना, तो उसको क्यों रखना है, क्यों पालना है? तो बाल मुंडन करने की जो बात है बुद्ध के धम्म में है। बुद्ध ने कहा कि भिक्षु अगर होता है तो मुंडन करेगा, लेकिन ये शब्द उन्होंने गलत करने के लिए मुंडन करना शुरू, क्यों? कोई मर गया तब मुंडन कर, यानी बुद्ध को कितनी बड़ी एक गाली दी, बौद्ध के लिए गाली दी थी, अपमान। और आज भारत में मुंडन करते आज। दूसरा शब्द एक ऐसा है चीता, चीता अर्थात क्या होता है? चीता अर्थात मरण, जो आदमी मरता है तो वो चीता उसकी जलाना, ताकि उसमें डालना और मरने के बाद उसको चीता में जलाना, चीता जल रहे, तो कोई समझ जाता है चीता जल रहे अर्थात कोई मर रहा, मर गया है, उसकी चीता जल रही। लेकिन चीता अर्थ ये नहीं था, उन्होंने इसका भी शब्द अपभ्रंश कर दिया, भ्रमित कर दिया, चीता अर्थात ये चित्तमय प्रज्ञा होता, चीतामय प्रज्ञा। प्रज्ञा के तीन रूप है, तीन प्रकार है। पहली है श्रुतमय प्रज्ञा, दूसरी है चित्तामय प्रज्ञा, और ये चित्तामय प्रज्ञा, और तीसरी है भावनामय प्रज्ञा। तो चित्ता अर्थात चिंतन करना, जो हम हर शुक्रवार को चिंतन करते हैं, जो भी बात करना है तो हमें चिंतन करना है। तो ये चित्ता शब्द जो है ना, चित्तामय प्रज्ञा जरूरी है, क्योंकि हमें सुनना ये श्रुतमय प्रज्ञा होगी, जहां से मिलता है सुनना चाहिए, और फिर जो सुनने सुना उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि मैंने जो सुना ये सही है कि गलत है। बाबा साहब ने बहुत कुछ पढ़ा, सारे विश्व की किताबें पढ़ी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर चिंतन किया, और चिंतन किया इसलिए शूद्र पहले कौन थे ये चिंतन से निकला, चिंतन किया इसलिए बुद्ध एंड इज धम्मा ये चिंतन से निकला, चिंतन किया इसलिए रीडर्स निकला, चिंतन किया इसलिए बाबा साहब ने जितने भी ग्रंथ लिखे, क्रांति प्रतिक्रांति जो भी लिखा है बाबा साहब ने, ये चिंतन किया इसलिए ये धर्म। पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित, अभी उनकी जयंती है परसों, उन्होंने चिंतन किया इसलिए सर्वे ऑफ बुद्धिज्म निकला। ये जो हम पढ़ते हैं नो योर माइंड, ये जो शिक्षा पढ़ते हैं, ये चिंतन से आई हुई। तो चेतामय प्रज्ञा अर्थात क्या होता है कि इसका भी चेता का अर्थ अपभ्रंश कर। ऐसे बहुत सारे शब्द, शरण रचना अर्थात जो कोई मरता है तो उसके लिए शरण रचने, लकड़ी पर लकड़ी रखो उसको जला, तो उसको शरण कहा गया, और दरअसल शरण माने समर्पित होना अर्थात प्रतिज्ञा करना, सम्यक संकल्प या प्रतिज्ञा करना अर्थात शरण का अर्थ होता है। इन लोगों ने शरण शब्द का भी क्या अपभ्रंश करके लोगों को भ्रमित कर दिया। इस प्रकार ये शब्द हमने ऐसे जो बुद्ध के बहुत सारे ऐसे शब्द पाले के गलत कर दिए, इसी में का एक शब्द है भगवान। तो भग का, भगवान
दूसरे धर्म में होगा तो ईश्वर करता है, सृष्टि करता है, उसने सारी दुनिया निर्माण की, ये उन्होंने ऐसा भ्रम डालकर ये भगवान का अर्थ बदल, लेकिन वो उनका शब्द उन्होंने किया, वो उनका जान। लेकिन बुद्ध धर्म में हमें समझना है भगवान का अर्थ होता है, दो शब्द से मिला है, भग धन वान। भग माने भग्न करना, छिन्न भरन करना, नष्ट करना, नाश करना, और वान का अर्थ होता है तृष्णा, इच्छा, वासना। तो जिसने अपने इच्छाओं को, जिसने अपने वासनाओं को, जिसने अपने चाहत को, आसक्ति को खत्म कर दिया, तृष्णा को नष्ट कर दिया, उसको कहते भगवान। और इसी के लिए भगवान अर्थात जिसने अपने तृष्णा को नष्ट कर दिया उसको कहते हैं भगवान। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्या, सम्यक संबुद्ध, जो त्रियत्न वंदन है, हम एक एक शब्द देखने वाले हैं उसमें, तो ये जो आते त्रियत्न वंदना में एक एक शब्द, उसमें भगवान शब्द आता है, इति पिसो भगवा, तो यही भगवतो शब्द। फिर अरहंग, अरहंग का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, जिसने राग द्वेष और मोह पर नियंत्रण कर दिया, उसको अरहत कहते। तो नमो तस्स भगवतो अरहत, और सम्यक संबुद्ध, सम्मा संबुद्ध अर्थात सम्यक संबुद्ध, जिसने अपने ही द्वारा स्वयं बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करना दूसरे के सम, हम जो आज पढ़ रहे सीख रहे, तो हम ये पढ़ते पढ़ते अर्हत हो सकते, क्योंकि हमने बुद्ध की शिक्षा से लिया, हमने स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं किया। स्वयं ज्ञान जिसने प्राप्त किया उसको सम्यक संबुद्ध कहते। इसलिए कहते हैं कि नमो तस्स, उसको मैं शरण जाता हूं, उसको मैं नमस्कार करता हूं, किसको, नमो तस्स, उसको मैं नमस्कार करता हूं कि जो भगवान है, जिसने अपनी तृष्णाओं को नष्ट किया। तीन प्रकार की तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, उसको मैं नमस्कार करता हूं। और हतो, जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। सम्यक संबुद्ध, जिसने अपना स्वयं ज्ञान प्राप्त किया, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और ये जब वो बालक समझते समझते ध्यान मग्न हो गया, और फिर ध्यान मग्न होकर उसको फिर वो हारना जितना छोड़ दिया, वो बुद्ध के ही नमन में लग गया, और इतना वो पहले भी लड़के से ज्यादा तेज हो गया, और वो नमोतस्त भगवत और तो हमेशा, और जपना चालू किया, और उसी में ध्यान मग्न जा रहा। और फिर बुद्ध की स्मृति में कि बुद्ध कैसे थे, नमोतस्त, तो किसको नमस्कार करता हूँ मैं, बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। कैसे बुद्ध को, कि जिसने तृष्णा को नाश किया। किसको नमस्कार करता हूँ मैं, कि जिसने अर्हत पद प्राप्त किया। किसको नमस्कार करता हूँ मैं, कि जिस जो सम्यक संबुद्ध है। और इस प्रकार वो लड़का एक दिन श्मशान घाट में रात को रह गया पिताजी के साथ जाने के बाद, और पिताजी के साथ जाने के बाद में वो पिताजी के बैल ढूंढने के लिए गया था, चले गए थे, तो खोजने गया तो दरवाजा बंद हो गया, तो बाप अपना शहर में रह गया, नगर में, और लड़का गांव के बाहर श्मशान घाट में रह गया। लेकिन उसको उस समय भी कुछ पता भी नहीं चला था घाट में कौन लोग आए, क्या रहता है, डर भी नहीं लगा उसको, और वो इसी में मग्न था। तो इस प्रकार ये कथा जो कहती है, कहने का मतलब ये है कि कितना स्मरण करने से आदमी कहाँ तक जाता है, उसको कोई भी परेशानी नहीं आती। वो जो लड़का है वो आगे चलकर राजा के पास तक बात जाती है, और फिर राजा को ही समझ आ जाती है। लेकिन कहानी मैं ये यहाँ नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि कहानी बहुत लंबी भी है, और वो फिर हम और दूसरे कोई सत्र में हम पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब, इतनी बुद्धानुस्मृति में, बुद्धानुस्मृति में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, कि आप बैठे बैठे ध्यान अगर करते हैं, सती अगर करते, बुद्धानुस्मृति अगर करते हैं, तो निश्चित ही आपको उसका सफलता प्राप्त होती है, आपको यश प्राप्त होता है। तो नमो तस्स अरहतो भगवतो अरहतो, इसका जो अगर हम मीनिंग समझते, इसका अगर अर्थ समझते, तब हम नमो तस्स भगवतो अरहतो। और हमें हमेशा हम कहते हैं, रोज कहते हैं, या
जब भी कार्यक्रम होता है तो हम नमो तस्त भगवतो अरहतो, लेकिन हमें उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है। खाली बोलना है बोलना नहीं, तो कहीं भी उसके कार्यक्रम होते हैं तो हम बोलते खाली, लेकिन उसका मनन करना चाहिए कि नमो तस्त मतलब मैं उसको शरण जा रहा हूँ, उसको नमन कर रहा हूँ, उसके आगे झुक रहा हूँ, मामूली आदमी के आगे नहीं झुक रहा हूँ जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। तो आए हम भी वैसे ही बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, बुद्धानुस्मृति देखेंगे, अपना समय हो गया है तो बुद्धानुस्मृति में एक एक शब्द का अर्थ हम कोशिश करेंगे, ध्यान में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बुद्धानुस्मृति में जाएंगे और बुद्ध को हम समझने की कोशिश करेंगे, और एक दिन निश्चित ही हम भी उस लड़के की तरह एक अच्छा एक स्मरण शक्ति निर्माण होकर बुद्ध क्या है समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।